भिंड जिले से है, जहां प्रदेश के सभी पुलिस थानों में हुए जनसंवाद कार्यक्रम के तहत भिंड में भी एसपी डॉक्टर असित यादव के निर्देशन में जिले के सभी थानों में जनसंवाद किया गया। उमरी थाने पर भी डीएसपी हेडक्वार्टर संजय कोच्छा के मार्गदर्शन में टीआई, जनपद अध्यक्ष, जनपद सदस्य, व्यापारी एवं आमजन की मौजूदगी में जनसंवाद कार्यक्रम हुआ, जिसमें लोगों ने सड़क दुर्घटनाएं, अवैध शराब, रंगदारी, सड़कों पर अतिक्रमण जैसी समस्याओं को रखा। भिंड से मुकेश मिश्रा की रिपोर्ट। जहां तक अधिकतर लोगों के एक तो अवैध शराब संबंधी कहीं बिक्री के संबंध में और भी अन्य विवादों के संबंध में लोगों ने काफी अच्छे तरीके से पॉइंट बताए हैं। हम कोशिश करेंगे कि उन पर अमल किया जाए और अधिक से अधिक इन लोगों की समस्या को दूर किया जाए। हमारी ओर से अपील यही की गई कि जब भी कोई शिकायत हो तो आप डायरेक्ट हमें नंबर बताएं, हम उनका नाम कभी भी उनका उजागर नहीं करेंगे, और अगर कहीं भी इस तरह की घटना घटती है, कुछ होता है, तो कम से कम हमारा एक निवेदन भी इनसे ये रहा कि झूठे नाम ना लिखाया जाए, जो कि भिंड का एक कल्चर है, उस पर एक लगाम लगाने के प्रति हम खुद स्वयं प्रयास करते हैं, लेकिन लोगों से भी अपील की गई है। और इसमें आज पब्लिक से हमारी खूब बात हुई है, उसका उद्देश्य था जनता और पुलिस के बीच में जो गैप है उसको हम भरसक तरीके से कम कर सकें। उनने भी हमें सुझाव दिए हैं, ट्रैफिक को लेकर सुझाव हैं, हेलमेट को लेकर सुझाव हैं, शराबबंदी को लेकर सुझाव हैं, चोरी कैसे रोकी जाए इसको लेकर सुझाव हैं। हमने लोगों से अपील की है कि फर्स्ट अपील हमारी यही है व्यापारियों से कि भीड़ भाड़ अपनी दुकान के सामने ना करें, जिससे यातायात बाधित होता है, प्लस एक्सीडेंट के केसेस होते हैं। सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी हमने अपील की है। युवाओं से हमने अपील की है कि ग्राम रक्षा समिति का के सदस्य बने। साथ में हमने ग्रामीणों से अपील की है कि पुलिस हर जगह नहीं जा सकती, कुछ युवाओं को हम ट्रेनिंग दे के उनके गाँव में हम नाइट गश्त कराएं।